नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। कई केंद्रीय मंत्रियों का 19 जिलों में प्रवास और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक तय की गई है। यह अनुसूचित और राज्य में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध है। इससे पंचायत चुनाव प्रभावित होगा। उक्त बातें राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कही है। जीएन भारत से बात करते हुए राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि भाजपा के द्वारा सिर्फ झारखंड ही नहीं उड़ीसा में भी गांव-गांव में वोटर को अपने ओर खींचने का काम करते हैं। तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है। ये आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये छोटा चुनाव है। इन केंद्रीय मंत्रियों का आना कहीं ना कहीं दाल में काला है। चुनाव आयोग संज्ञान ले और इस पर रोक लगनी चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है कि इस बार के बारे में तुमको नहीं पता है, जहाँ अभी उड़ीसा में वो पता चला है कि वहाँ भी इसी तरह से किया गया था और गांव-गांव में ये लोग वोटर को बहुत मोबिलाइज किया जाके ये लोग आता है और ऐसा कि हमको सूचना है कि लोग वोटर लोग को ज़्यादा मोबिलाइज करता है। तरह तरह का वहाँ पर प्रलोभन भी दिया जाता है। तो ये आचार संहिता का घोर उल्लंघन है और हम चाहते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि छोटा चुनाव है और छोटा चुनाव होने पर केंद्रीय मंत्री कहने का मतलब क्या है, ये कहीं कहीं दाल में काला लग गया है। मेरा यही मानना है कि इस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले और इस पर रोक लगनी चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।